हेलो गाइस, माई सेल्फ योगेंद्र शर्मा फ्रॉम फेयर इंग्लिश क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ग्रामर एंड दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या है वो? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आज इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरे साथ वीडियो को लगातार देखते रहिए। यदि आप लगातार वीडियो देखेंगे तो इतने आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि बहुत अच्छा समझ में आएगा। केवल और केवल थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, केवल बहुत थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आपका। यदि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चलते हैं अब टॉपिक की तरफ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जैसा कि मैंने यहां पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, किसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिए, इसको नरेशन भी कहा जाता है। पहले तो मैं बता दूं, नरेशन, कथन जिसको बोलते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जब वक्ता अर्थात कहने वाला उसकी बात को कोई भी ज्योंका त्यों कह दे, उसकी बात को जब ज्योंका त्यों कहा जाता है तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जिसका मैंने एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है, ये रहा डायरेक्ट स्पीच का, राम सेड टू मी रवि इज प्लेइंग वेल, इसका एग्जाम्पल यहां पर ये है। तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं कि जब वक्ता की बात को, कहने वाले की बात को कोई भी श्रोता अपने शब्दों में व्यक्त करे। इफ एन ऑडियंस एक्सप्रेसेस द डायरेक्ट स्पीच इन हिज ओन वर्ड्स, द वर्ड्स ऑफ टेलर इन हिज ओन वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। समझ गए बात आप, कि यदि कहने वाले की बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब एक नीचे से हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है, ये तो इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट पहले था, इनडायरेक्ट यदि हम इसको हम कन्वर्ट करें तो क्या होगा, राम टोल्ड मी दैट रवि वाज प्लेइंग वेल। अब ये क्या, कौन से रूल से बदला है, कौन कौन से रूल्स इसमें अप्लाई हुए हैं उसको मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले मैं ये बता दूं कि ये होता क्या है। अब देखिए, अलग अलग लिखा हुआ है, राम सेड टू मी, कॉमा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमाज लगे हुए हैं, रवि इज प्लेइंग वेल। तो ये जो इधर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट बोलते हैं। कौन सा पार्ट बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इधर वाला जो पार्ट है इसको रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट बोला जाता है। इधर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट और इधर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब कुछ असर्टिव सेंटेंस के रूल्स हैं, असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम चेंज करते हैं उनको मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो असर्टिव सेंटेंसेस से पहले मैं आपको जनरल रूल्स बता दूँ, कुछ जनरल रूल्स क्या होते हैं। अभी मैं असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में बोल रहा था, लेकिन उससे पहले जनरल रूल्स जो कि असर्टिव में भी काम आएंगे आपको, इंटरोगेटिव्स में भी, कहने का मतलब जो भी सेंटेंसेस हैं उनमें सब में काम आएंगे। तो उनको कैसे चेंज करते हैं, जनरल रूल्स क्या हैं इनके, कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, किसी भी डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट इज नॉट चेंज्ड। तो क्या होता है कि जो का त्यों इट रिमेन्स एज बिफोर, एज यूजुअल, जो होता है ऐसा ही रहता है। जैसे कि राम सेज टू मी, सेज का हम टेल्स करेंगे यहां पर, रूल्स आगे असर्टिव में आएगा, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में यदि मैं इनको सबको बताता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कंसंट्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। मुझे लग रहा है कि कई लोग तो सोच रहे हैं इस बात को कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर चैनल से लेकर के चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा सोचें इसको कैसे, कि राम सेज टू मी मोहन इज राइटिंग ए लेटर। अब सेज टू, हाँ, तो इसको हमने टेंस में किया क्योंकि ये सेज प्रेजेंट टेंस में आता है, दैट्स वाई वी विल नॉट चेंज द नेक्स्ट टेंस, अगला टेंस नहीं बदला जाएगा, ज्योंका त्यों रहेगा। कंजक्शन लगा दिया हमने, राम टेल्स मी दैट मोहन इज राइटिंग ए लेटर, किस लिए नहीं बदला, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यदि यहीं पर ये होता कि राम विल होता, यहां पर विल से टू मी है, इसमें से ये हट जाता तो यहां पर केवल विल टेल हो जाता, बाकी ज्योंका त्यों रहता। तो राम विल टेल मी दैट मोहन इज राइटिंग ए लेटर, कहने का मतलब है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, रिट्रेट कर रहा हूँ फिर से, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आगे का टेंस, कहने का मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फिर
नहीं बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो मैंने पहले भी बताई थी आपकी, यदि ये पास्ट टेंस में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। और कैसे बदलता है, बहुत ही आसान तरीका है कि जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं वो उसी के पास्ट में चेंज होते हैं, उनका अल्टरेशन हम किस में करते हैं, उसी के पास्ट में करते हैं जितने भी प्रेजेंट टेंस होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों ये प्रेजेंट हैं और ये चारों के पास्ट में चेंज हुए, चारों के प्रेजेंट, चारों के पास्ट में चेंज हुए। बहुत आसान बात है, बड़ी आसानी से याद होती है। अब बात आती है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस की तरफ चलते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। दो ही बात याद रखनी है केवल, भाई यदि हमारे प्रेजेंट का है कोई तो उसी के टेंस में चेंज कर देंगे, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कौन सी बात याद रखनी है केवल, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है। अब फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नहीं होता है। वी कांट चेंज एनीथिंग इन पास्ट परफेक्ट, बिकॉज कारण क्या है उसका, कारण यह है कि हम पहले से ही पास्ट परफेक्ट में दो टेंसेस को बदल चुके हैं। तो फिर इसके लिए हम कहां से हेल्पिंग वर्ब लाएं, ये सोचने वाली बात होती है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, ये भी नो चेंज होता है, ये रूल के अकॉर्डिंग है राइट एंड लेफ्ट के। अच्छा, जितने भी फ्यूचर टेंस होते हैं ट्रांसलेशन के अंदर, जितने भी फ्यूचर टेंस होते हैं सब में विल और सेल आता है। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट विल सेल, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी और सेल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव और सेल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन और सेल हैव बीन। मींस क्या हुआ कि सब में विल और सेल का यूज होता है, चाहे बी आ रही हो आपकी उसमें, चाहे हैव आ रही हो या हैव बीन साथ में लगी आ रही हो, लेकिन विल और सेल जरूर होते हैं। तो क्या करते हैं, जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो विल का तो कर देते हैं हम वुड और सेल का कर देते हैं शुड, बाकी कुछ ऑक्सिलरी बचती हैं जैसे कि कैन है तो कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, ऑट टू का ऑट टू ही रहता है, और मान लो मस्ट है तो मस्ट भी मस्ट ही रहती है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, हैं, इधर भी मस्त और उधर भी मस्त, दोनों तरफ ही मस्त होती है, हैं। और शुड है तो शुड भी शुड ही रहेगी, शुड का भी शुड रहेगा, तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि किस तरह से प्रेजेंट टेंस को पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो इसका आप अभी एग्जाम्पल देखें, और ये जनरल रूल्स केवल मैं बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एफर्मेटिव सॉरी असर्टिव सेंटेंसेस में आपको बताऊंगा कि किस तरह से उनको चेंज करते हैं इन्हीं रूल्स की सहायता से, उसमें भी इनको मेंशन करूंगा, आप लगातार देखते रहिए केवल। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ही सेड, आज ये मेरा जो मार्कर है थोड़ा सा कम चल रहा है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रमेश गोज टू दिल्ली कॉमा क्लोज। तो सेट टू को हम, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, इसको टोल्ड में चेंज करते हैं, बताऊंगा असर्टिव में, ही टोल्ड मी कंजक्शन यहां पर दैट लगाते हैं। अब क्योंकि ये पास्ट टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, तो आगे वाला टेंस है जो पास्ट का ही होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है फिर वो पास्ट में ही बनेगा। अब जो कौन से में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा रमेश वेंट टू दिल्ली। हाँ, और एग्जाम्पल देते हैं हम इसका एक और, जैसे कि सीमा सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन बॉट ए कार कॉमा क्लोज। तो सेड टू को हमने इसके अकॉर्डिंग सीमा टोल्ड मी कंजक्शन वही दैट लगा दिया,
आगे बताऊंगा मैं पूरे रूल्स इसके, लेकिन पहले इसको समझा दूं कि क्या है। तो ये फिर हमारी कौन सी है, पास्ट टेंस में हुई है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में हुई, पास्ट टेंस में हुई। और जब पास्ट टेंस में हुई तो आगे का टेंस बदल जाएगा। अभी टेंस कौन सा है हमारा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को अकॉर्डिंग टू द रूल किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, मोहन हैड बॉट ए कार, ठीक है, कॉमा क्लोज हो जाता, कॉमा सब हट जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी हमारे ये जनरल रूल्स हैं। तो इन जनरल रूल्स को मैं समझता हूं कि आप इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इसको समझा होगा, जनरल रूल्स आपकी समझ में आए होंगे। और अब आगे जब मैं एसर्टिव सेंटेंसेस को डिटेल में बताऊंगा तो इन रूल्स को भी साथ में लिखूंगा, आपको क्लियर तरीके से बताया करूंगा, एक कॉर्नर में इनको लिखूंगा और बाकी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे। हाँ, तो लगातार इस वीडियोज़ को देखते रहिए। अभी इसकी हमने केवल ओपनिंग की है, इसकी शुरुआत की है, इंट्रोडक्टरी केवल इंट्रोडक्शन है इसमें और कुछ नहीं है। इससे आगे हम एसर्टिव सेंटेंसेस पढ़ाएंगे। थैंक यू।